और राज्यसभा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर आज उन्होंने छात्रों के बीच लैपटॉप वितरित किए। उन्होंने 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वो सरकार में नहीं, इसलिए कुछ छात्रों को ही लैपटॉप दे रहे हैं और सरकार को याद दिला रहे हैं कि सभी छात्रों को लैपटॉप सरकार दे, क्योंकि सरकार ने वादा पिछली बार भी किया था और इस बार भी किया, लेकिन लैपटॉप बांटे नहीं गए। जीवन में यही है, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, जिसका रास्ता साफ सुथरा है वही बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग और भी हैं समाज में, जो कभी कभी मौका पा जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। नकल से पास होने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जो अपनी मेहनत से पास होता है वो खुद भी सफल होता है और आगे भी सफल होगा। मैं 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो कहावत है कि हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, अंतोगत्वा उन्हें सम्मान मिलता ही है। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि सरकार याद करे। हम तो कुछ ही को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। जो वादा किया था कि सबको लैपटॉप देंगे, अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब वो सबको लैपटॉप देंगे। पिछली बार तो नहीं दिया, शायद इस बार दे दें। और इटावा में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अखिलेश यादव की तस्वीर को केक खिलाया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी लोग हार मानने वाले नहीं है। तो इटावा में जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है वहां पर उनका जन्मदिन मनाया गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और आप जानते हो कि आज सभी जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ, बहुत हर्ष के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मना रहे हैं। और पूरे जनपद में मैं समझता हूँ लगभग सभी जगह पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ अध्यक्ष जी का जन्मदिन मना रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।